आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बुधवार 8 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में वायरल फीवर का कहर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लगभग 1000 की संख्या में बच्चे वायरल फीवर से बीमार हैं। ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह हो गई है कि शहर में लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे वायरल बुखार की चपेट में हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। बच्चों के परिजनों में भी इस बात का डर है कि कहीं यह कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक स्वास्थ्य महकमा यह तक पता नहीं लगा पाया है कि बच्चे आखिर इतनी संख्या में बीमार कैसे पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड लीडर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लॉटरी और सट्टा हमेशा गलत नहीं होते हैं, कई तरह की लॉटरी से जन कल्याण भी होता है। उन्होंने कहा कि इसको वैधानिक करने और आरंभ करने की अनुमति देने से समाज को लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी के समय में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, तब इसे आरंभ करने से उसे पटरी पर लाने में सहायता मिलेगी। मंगलवार को एक कार्यक्रम में जब पत्रकारों ने उनसे शिवराज सरकार के इस फैसले के बारे में पूछा, तब उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय में मैं भी उनके साथ हूं, सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसमें समाज का लाभ हो। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता संगठन के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के अपने ही विधायक सत्ता संगठन पर सवाल उठाकर नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। पहले पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई और अब मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी सरकार की विफलता के मुद्दे उठा रहे हैं। इनके अलावा विधायक राकेश गिरी भी दो मर्तबा सत्ता संगठन के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। बीते लगभग एक वर्ष से पार्टी के विधायकों ने लगातार सरकार को मुश्किल में डालने वाले मुद्दे उठाकर बयान दिए हैं। इनमें अजय विश्नोई मंत्रिमंडल में जगह न मिल पाने के बाद से लगातार तीखे तेवरों में हैं, तो नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लगातार आक्रामक बने हुए हैं। त्रिपाठी तो साफ कह रहे हैं कि उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में निर्माणाधीन नए मध्य प्रदेश भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि नए भवन में राज्य के वैभव के दिग्दर्शन के प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ मध्य प्रदेश के जीवन मूल्यों, परंपराओं, आस्थाओं, स्थापत्य कला, प्राकृतिक सुंदरता और महापुरुषों के आदर्शों की जानकारी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश की परंपराओं और आस्थाओं को समाहित करते हुए महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, अमरकंटक मितावली मंदिर, संदीपनी आश्रम और ओरछा के राम राजा मंदिर के साथ सांची, खजुराहो, असीरगढ़ और मांडू की स्थापत्य कला का किसी न किसी रूप में नवीन भवन में समावेश होना चाहिए। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटिया भील, भीमा नायक और रानी लक्ष्मीबाई जैसे प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के आदर्शों की झलक भी नए भवन में दिखनी चाहिए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। विदेशी एवं देशी शराब खरीदने पर ग्राहकों को बिल प्रदान करने के आदेश का कई दुकानदार पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं। इन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करके शिकायत दर्ज कराने पर विभागीय अधिकारी तुरंत एक्शन लेंगे।
जिले में भी सभी शराब दुकानों से ग्राहकों को शराब क्रय करने पर बिल प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उपभोक्ताओं से भी शराब क्रय करने के बाद बिल प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। कोई भी दुकानदार यदि बिल नहीं देता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इंदौर के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाली FSSAI के आदेश पर निरीक्षण किया गया। आकस्मिक चेकिंग में बासी खाद्य सामग्री और एक्सपायरी डेट का सामान मिला, जिसे नष्ट करवा दिया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के दायरे में आते हैं। FSSAI के आदेश के अनुसार होटल और रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति द्वारा रेट किए गए सभी 5 सितारा होटल्स को मानक प्राधिकरण के सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हरियाणा के पलवल से भागकर आई एक नाबालिग से भोपाल के 2 होटल और एक फ्लैट में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एमपी नगर के होटल से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने डिंडोरी जिले से पकड़ा है। गैंगरेप में शामिल एक आरोपी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, जबकि दूसरा आरोपी जेडीयू डिंडोरी का जिला अध्यक्ष है। तीसरा आरोपी कारोबारी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि डिंडोरी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मंत्री मनीष नायक, जेडीयू का जिला अध्यक्ष दिनेश अवधिया और पेट्रोल पंप संचालक अमित सोनी को हिरासत में लिया गया है। इन पर किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप है। सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक संघ ने वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन के अधिकारियों पर भद्दा कमेंट किया है। उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखा है। उसमें एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और क्रिमाफिन सिरप की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा शिक्षक संघ सागर ने पत्र में लिखा कि देखा गया है कि वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन के अधिकारी पत्नियों से लड़कर आते हैं और उनको कब्जियत रहती है, इस कारण वे पूरा दिन अतार्किक निर्णय लेते हैं। ऐसा ही एक निर्णय तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया गया था कि जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग को 7वां वेतनमान 2018 से दिया गया था, जबकि मध्य प्रदेश शासन के शेष विभागों में जनवरी 2016 से दिया गया है। राजधानी के प्रतिष्ठित भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। 12 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव रद्द कर दिए गए। हंगामे के दौरान सदस्य भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बट गए। एक धड़े ने जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तारीफ की तो दूसरा धड़ा विरोध में उतर आया। इस दौरान शिवराज जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इधर कुर्सियां भी फेंके जाने की खबरें हैं। विवाद के बाद चुनाव अधिकारी मुकेश सेन ने इस्तीफा दे दिया। इस कारण चैंबर के चुनाव एक बार फिर टल गए हैं। अध्यक्ष ललित जैन का कहना है कि 12 सितंबर को वोटिंग नहीं होगी। कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद तारीख का निर्णय लिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 10 सितंबर गणेश चतुर्थी, 11 सितंबर शनिवार और 12 सितंबर रविवार को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे राजधानी के जोनल ऑफिस में कैश काउंटर्स पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित ATP मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बुधवार 8 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 9 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।